इस वीडियो में आप सीखेंगे कि मैलेट का प्रयोग कैसे किया जाता है। मैलेट चोट मारने का एक उपकरण है जिसका एक स्ट्राइकिंग फेस होता है जो आमतौर पर लकड़ी से या स्टील से अधिक नरम मटेरियल से बना होता है। मैलेट मारी गई सतह से न्यूनतम प्रतिघात के कारण बल को बेहतर तरीके से संचारित करता है। मैलेट का एक बड़ा सिर होता है जो ठोस लकड़ी से बना होता है ताकि मारे जा रहे उपकरणों या वस्तुओं को हानि पहुंचाए बिना भारी कार्यों को पूरा किया जा सके। अच्छे से बना हुआ मैलेट इतना हल्का होता है कि इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन उपयुक्त बल लगाने के लिए पर्याप्त भारी भी होता है। हैंडल एक खुले सुराख के अंदर फंसा होता है जो सिर के बीच तक बढ़ा हुआ होता है। मुख्य रूप से हाथ के कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे रेशे काटने के लिए चौरसी पर चोट करना। शक्तिशाली चोट करने के लिए मैलेट के हत्ते को इसके निचले हिस्से के पास कसकर पकड़े। केवल अपनी कलाई को ही नहीं बल्कि अपने बाजू को कंधे से पूरा घुमाएं। बारीक कार्यों पर अधिक नियंत्रण करने के लिए सिर के पास से पकड़े और छोटी चोटे करें। यहाँ पर आप केवल अपनी कलाई को घुमा सकते हैं। खड़ी सतह पर चौरासी का प्रयोग करते समय, जैसे मोर्टिस को समकोण बनाते समय, लकड़ी का मैलेट काटने के लिए चौरसी को आवश्यक बल प्रदान कर सकता है। केवल मैलेट के फेस या पीन पर ही चोट करे, साइड पर कभी नहीं। ध्यान रखें कि चौरसी को सीधा पकड़ा गया हो और मैलेट से मजबूती से चोट की गई हो। हल्के से कई बार चोट करने की तुलना में जोर से एक बार चोट करना बेहतर है, क्योंकि चौरसी के अपनी जगह से हिलने की संभावना होती है। मोर्टिस के तैयार हो जाने के बाद आप मैलेट से हल्की चोटें करते हुए टेनन को इसके अंदर बिठा सकते हैं। लकड़ी के मैलेट का किसी भी धातु या कील जैसी नुकीली वस्तु पर प्रयोग न करें। अब आपने सीख लिया है कि मैलेट का प्रयोग कैसे किया जाता है।